गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ मैथ एक्सरसाइज 9.5 मेजरमेंट करेंगे। इसका फर्स्ट हम देखो, ये फर्स्ट में है डिवाइड द फॉलोइंग, इनको डिवाइड करना है। 228 मीटर डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करना है। 228 मीटर को सिंपल डिवाइड होता है, ये आपको आते ही पहले भी। देखो ये 228, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? देखो ये 2 1 2 0 बच गया, अगली डिजिट क्या है यहाँ पर 2 है, ये उतारते हैं हम, कितना आ जाएगा 2 1 2, फिर 0 आ गया यहाँ पर, अगली डिजिट क्या है यहाँ पर 8 है, ये उतार लिया हमने इसमें यहाँ पे, ठीक है। 2 4 8, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। क्या आंसर आ गया इसका? क्वेश्चन 114 क्वेश्चन आ गया इसका। देखो इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर 114 मीटर, ठीक है। ऐसे ही देखो ये 420 लीटर डिवाइड बाय 5, 420 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 420 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करते हैं। देखो ये किस पर जाएगा, ये 4 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 8 जा 40, कितना बचा यहाँ पर माइनस करने पर 2, यहाँ पर 0 आ गया ये इसका ये अगला डिजिट, ठीक है। अब करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना आया इसका आंसर, क्वेश्चन कितना आया इसका 84, तो यहाँ इसको डिवाइड करने पर कितना आया 84 लीटर आ गया हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर, ये ठीक है। इसके बाद देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसका फर्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन इज 60 रुपीज, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑनियन की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज है। What is the cost of 500 ग्राम ऑनियन? तो हमें 500 ग्राम ऑनियन की कॉस्ट निकालनी है। तो आप ये देखो, सबसे पहले किलोग्राम में गिवन है और हमने ग्राम में निकालनी है, तो सबसे पहले हम ये जो ग्राम दिया हुआ है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर ये 500 ग्राम है, तो इसमें 1.5 ये 1/2 किलोग्राम हो जाएगा, मतलब 1/2 किलोग्राम हो जाएगा ये, तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 किलोग्राम। अब देखो ये कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियन, 1 किलोग्राम ऑनियन की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज है ये, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 1/2 किलोग्राम ऑफ ऑनियन कितनी हो जाएगी? 60 × 1/2, मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये कितना आएगा, 60 × 1/2, ये रुपीज, या 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये 60, नीचे कितना जाएगा 2, मतलब 60/2 आ गया, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर ये 60 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 0 आ गया, अगले डिजिट 0 है उस इसको करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 30, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 0 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, कितना जाएगा 30, तो कितने रुपीज आ गए इसका, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 30 रुपीज कॉस्ट आ गई है 1/2 किलोग्राम ऑनियन की, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम, ये नेक्स्ट हम, ए 500 मिलीलीटर बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वाज बॉट फॉर ए फंक्शन, एक 500 मिलीलीटर की बॉटल है एक फंक्शन के लिए खरीदी गई है, ठीक है। 10 children शेयर द कोल्ड ड्रिंक, उसमें से इक्वली 10 children ने फंक्शन में जो उनको इक्वली शेयर की गई, मतलब इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई, बांटी गई है वो, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें से। हाउ मच कोल्ड ड्रिंक्स डिड ईच चाइल्ड गेट, तो ये बताना है कि ईच चाइल्ड को, मतलब हर एक बच्चे को कितनी कितनी कोल्ड ड्रिंक्स मिली है। टोटल कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है? 500 मिलीलीटर है, और कितने बच्चे हैं?
टेन चिल्ड्रन है, ठीक है ना। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कोल्ड ड्रिंक्स 500 ml, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 10। ईच चाइल्ड गेट कोल्ड ड्रिंक, हर एक बच्चे को कितनी कोल्ड ड्रिंक मिली, 500 ml डिवाइड बाई 10। 10 से डिवाइड करते हैं, देखो ये 500 10 से डिवाइड करते हैं, 10 5, ये 10 5 50, जीरो। अगर इसमें माइनस करेंगे तो अगले डिजिट जीरो है, ये उतार लिया हमने। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ गया हमारे पास, 50 50 ml। हर एक बच्चे को ईच चाइल्ड गेट 50 ml कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये हो गया, ये अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट सम थर्ड पार्ट, देखेंगे ना थर्ड पार्ट। हाउ मेनी 500 ml बोटल ऑफ सॉस कैन बी मेड फ्रॉम 4 लीटर सॉस। देखो 500 ml की बोतल बनानी है और टोटल सॉस कितना है, 4 लीटर सॉस है, उसमें से 500 500 ml की बोतल फिल करनी, मतलब भरनी है उसमें से। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी ये बताना है हमने इसमें। ये अब ये देखो, सबसे पहले ये आपको लीटर में दिया हुआ है, 4 लीटर टोटल सॉस है ये, और ये एम एल है, ये 500 ml है। तो सबसे पहले हम ये 4 लीटर है इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको बताया 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। देखो ये सबसे पहले करेंगे 4 4 लीटर इज इक्वल टू 4 × 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए इसको हम 1000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कितना आ गया, 4 लीटर इज इक्वल टू 4000 ml। अब देखो ये इसको टोटल सॉस कितना है, 4000 ml है, और वन बॉटल कैन होल्ड, वन बॉटल में कितना सॉस आ सकता है, 500 ml सॉस आ सकता है। नंबर ऑफ बॉटल्स कैन बी मेड, कितनी बॉटल बनेंगी इसमें, इसको डिवाइड कर देंगे 500 से, 4000 डिवाइड बाय 500, तो कितना आ जाएगा, देखो ये हम डिवाइड करते हैं इसको, 4000 डिवाइड बाई 500, 500 ये 8 जा 8 पर जाएगा, ये 4000 इसको डिवाइड करके देखो ये 8 आ जाएगा इसमें, ये इसका मतलब है 8 बॉटल। नंबर ऑफ बॉटल कैन बी मेड कितनी आ जाएगी, 8 बॉटल्स, 8 बॉटल्स बन सकती है इसमें, ठीक है। अब अगला देखो, ये नेक्स्ट सम देखेंगे इसमें, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ सम देखेंगे इसमें, ये फोर्थ है सम, ये इसमें देखेंगे। मिसिस सीमा वाकड 22.057 किलोमीटर इन ए वीक। मिसिस सीमा जो है 1 वीक में 22.057 किलोमीटर चलती है वो, ठीक है। इफ शी वाकड द सेम डिस्टेंस एवरी डे, अगर वो इफ शी वॉक्ड द सेम डिस्टेंस एवरी डे, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करती है रोज, हर रोज सेम डिस्टेंस कवर करती है, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर डिड शी कवर इन ईच इन ए डे। तो ये बताना है कि 1 डे में, मतलब एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 22,057 मीटर आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज, 7 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है ये, 22,057 मीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, देखो ये। अब फिर यहाँ डिवाइड करते हैं, देखो 22,057 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। 0 हमने उतार लिया यहाँ पर, फिर 7 × 7, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया इसमें फिर, ठीक है। उसके बाद 5 उतार लिया हमने यहाँ पर, 7 5 = 35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया,
अगले डिजिट क्या है यहाँ पर? सेवन, सेवन उतारेंगे, अब डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा? सेवन बन जा सेवन, जीरो रिमाइंडर आ गया इसका, तो कितना आ गया हमारे पास? ये 3151, 3151 मीटर। तो ये वन वन डे में 3151 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।